नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पोएट्री द होप बाय राजन अग्रवाल। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये पोएट्री किस बारे में है। होप इज़ डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोएट। कविता जो है आशा के बारे में है, और आशा जो होप है उसको विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उसको विभिन्न लोगों ने अलग अलग जो है वो नाम दिए हैं। सम पीपल कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको जो है उम्मीद के रूप में देखते हैं, कुछ लोग जो है इसको भविष्य की प्रासंगिकता को लेकर के देखते हैं, और कुछ लोग इसे जो है उपमा का या लाभ के पैमाने के रूप में देखते हैं। बट फॉर पोएट द होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सॉल। महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि के अनुसार आशा क्या है, इट्स द क्रिएशन ऑफ सॉल। ये आत्मा की रचना है, आत्मा का सृजन है, जो क्या प्रदान करता है, दैट मेक्स अस फील प्रेजसम, जो हमें आनंद की अनुभूति करवाता है। एंड बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। और हर जो प्राणी है प्रकृति का, प्रकृति स्वयं, उसके साथ साथ पक्षी जो है, मनुष्य है, अन्य जानवर जो है, और प्रकृति स्वयं जो है वो आशा के ऊपर निर्भर रहते हैं, और आशा जीवन को चलाती है, जिसका हिंदी जो है भावार्थ जो है दे रखा है। चलो देखते हैं पोइट्री के बारे में, उसके अलग अलग स्टैंजा के हिसाब से हम लोग जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी व्याख्या के साथ साथ देखते हैं। द होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। इन द फर्स्ट स्टैंजा राजन अग्रवाल इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिफरेंट नेम गिवन टू द होप। द होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब इसमें तीन बातें बताएगा, क्या अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के लिए आशा क्या है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन क्या होगी, उम्मीद। अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेलेवेंस, फ्यूचर भविष्य, और रेलेवेंस मतलब प्रासंगिकता। कुछ लोगों के लिए जो है ये भविष्य की प्रासंगिकता है। सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, और कुछ लोग इसको आशा के बारे में क्या सोचते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ, पैमाना ऑफ बेनिफेक्शन, उपकार का या लाभ का जो है पैमाने के रूप में देखते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा राजन अग्रवाल इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिफरेंट नेम गिवन टू दी होप। लेट्स रीड सेकेंड स्टैंजा। इन द सेकेंड स्टैंजा वॉट इज होप अकॉर्डिंग टू पोइट हिमसेल्फ, वो स्वयं इस बारे में क्या सोचते हैं। लोगों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने उम्मीद कहा, किसी ने इसको भविष्य की प्रासंगिकता कहा, किसी ने इसे जो है लाभ के पैमाने के रूप में देखा। कवि के लिए आशा क्या है, टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सॉल। क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन भी इस प्रकार के बन सकते हैं, वॉट इज होप अकॉर्डिंग टू दी पोइट, कवि के अनुसार जो है आशा क्या है, इट्स अ क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स क्या होता है, रचना, सृजन। ऑफ सोल, सोल यानी आत्मा, आत्मा की रचना है। दैट मेक्स, दैट यानी जो, दैट हियर रिफर्स टू द होप, होप के लिए आया दैट यहाँ पर। दैट मेक्स अस, जो हमें बनाती है, फील प्लेजर सम, प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद, खुशी, जो हमें आनंद की अनुभूति कराती है। एंड लीप, लीप, लीप मीन्स क्या होता है, उछलना, कूदना। विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मीन्स क्या होता है, उत्साह। एंड ग्लो, ग्लो यानी होता है चमक। तो आशा एक ऐसी चीज़ है जो हमें आनंदित कर देती है, जिससे व्यक्ति जो है खुशी से, उत्साह से जो है प्रसन्न होकर के उछलने लगता है, कूदने लगता है। तो कवि राजन अग्रवाल के अकॉर्डिंग आशा क्या है, अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल, द होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स ह्यूमन बींग फील प्लेजरसम एंड लिव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो। आशा आत्मा की एक रचना है, जिसके अनुभूति से मनुष्य जो है अपने आप को आनंदित महसूस करता है, और अत्यधिक उत्साहित होकर के उछलने कूदने लगता है। नेक्स्ट देखिए, अब आशा के जो है बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं, कि आशा से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आशा ने क्या हमारे जीवन में क्या भूमिका उसकी रही। इन पास्ट, हमारे भूतकाल में, हम लोग, वी हैव सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स क्या होता है, जीवित रहना, ऑन होप। भूतकाल में हम लोग आशा के बल पर जीवित रहे। विथ सरमाइस ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ हो, सरमाइस, सरमाइस यानी होता है मतलब पैमाना लगाना, आइडिया लगाना, अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण ही हम लोग अपने भविष्य को लेकर के किसी प्रकार का अंदाज लगा सकते हैं, भविष्य को लेकर के कुछ आशान्वित रह सकते हैं। और आशा क्या करती है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, हमारे अंदर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता का अंत जो है वो आशा करती है। और नकारात्मकता का अंत करके क्या करती है, फील अस विद काम एंड क्वाइट, और हम सबको जो है शांति से भर देती है। अपने अंदर की जितनी भी जो है
अंधकार है, अपने अंदर की नकारात्मकता है, उन सब का अंत करके आशा हमें जो है शांत चित्त बना देती है। तो ये आशा के बेनिफिट के बारे में है, कौन कौन से। पास्ट में वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, भूतकाल में हम लोग आशा के बल पर जीवित रहे, और एंड वी कैन सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और भविष्य को लेकर के जो है हम लोग कुछ उम्मीद रख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं आशा के कारण ही। आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है और आशा हमें जो है शांति से भर देती है। और आशा के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं दूसरे अन्य प्राणियों पर वो देखते हैं। पहले वो बर्ड के बारे में बात करेगा। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा के कारण ही पक्षी उड़ते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पैटर्न जो बोर्ड का रहता है उसमें क्या होता है, स्टैंजा देकर के नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी किस कारण उड़ते हैं, तो होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। और किस तलाश में उड़ते हैं, इन सर्च, सर्च यानी तलाश, ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ते हैं। किन के लिए, फॉर यानी के लिए, यंग वंस, अपने छोटे जो है बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और सामग्री के लिए, और वो सामग्री किस में यूज लेंगे, बिल्ड यानी निर्माण करने में, देयर होम्स, अपने घरों के निर्माण के लिए सामग्री जुटाने में। आशा ही एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से प्राणियों को, पक्षियों को भी उड़वाती है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा बढ़े आगे, वापस रिवाइज कर देते हैं। पहले स्टैंजा में उसने अलग अलग नाम जो आशा के दिए गए उसके बारे में बात की है, कौन कौन से नाम है। कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन है, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस मानते हैं, और कुछ लोग जो है इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन मानते हैं। कवि के अनुसार आशा क्या है, इट्स क्रिएशन ऑफ सॉल दैट मेक अस फील प्लेजरसम, एंथुजियाज्म एंड ग्लो। उसके बाद आशा को व्यक्ति को आशा ने किस प्रकार से प्रभावित किया, मनुष्य भूतकाल में भी आशा के बल पर जीवित रह पाया और भविष्य को लेकर कुछ अंदाज लगा सकता है। आशा के कारण ही आशा मनुष्य के अंदर की नकारात्मकता को मारती है और साथ साथ मनुष्य को शांति से भर देती है। पक्षियों पर आशा क्या प्रभाव है, यह पक्षी जो है इसी आशा में उड़ते हैं, आशा के कारण ही उड़ते हैं, और किस लिए, अपने जो है छोटे बच्चों के लिए जो है भोजन की तलाश में, और अपने रहने के लिए घोंसले घर की तलाश में। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड। ट्री के बारे में बता दिया, बर्ड के बारे में सॉरी बर्ड के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्ड के बारे में। बर्ड, बर्ड मीन्स क्या होता है, कली। इट इज़ द होप, आशा ही है, दैट मेक्स अ बर्ड स्टे, जो एक कली को रोकती है, यानी कली इसी आशा पर जो है वो रुकती है। स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा पर बैठी रहती है। एंड ब्लूम, और ब्लूम यानी क्या होता है, खिलना। तो आशा ही ऐसी ऐसी चीज़ है, कली को शाखा पर रखती है और उसे खिलने देती है। बट के बाद इफेक्ट पड़ते हैं आशा का ट्रीज पर क्या है, ट्रीज लूज देयर लीव्स, पेड़ जो है वो खोते हैं देयर अपनी लीव्स, पत्तियों को, पेड़ अपनी जो है पुरानी पत्तियों को इस उम्मीद में छोड़ते हैं या खोते हैं, विथ होप, आशा के साथ में, दैट वन डे इट विल बी लेडन विथ ग्रीन ह्यूज, इट विल बी लेडन, लेडन यानी क्या होता है, लद जाना, यानी खूब प्रचुर मात्रा में होना। पेड़ जो है अपनी पुरानी पत्तियों को इस आशा में खोते हैं कि एक दिन वे पुनः जो है हरे भरे हो जाएंगे, यानी उन्हें आशा है इस बात की कि वे हरियाली को पुनः प्राप्त कर लेंगे, तो इस वजह से वे अपनी पुरानी जो है पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो इस स्टैंजा में आपने जो है आशा का प्रभाव दूसरे अन्य प्राणियों पर कैसे पड़ता है, एक तो कली पर किस प्रकार से पड़ता है, वो इस उम्मीद में शाखा पर रहती है, आशा के कारण ही वो शाखा पर रहती है और वो पुनः खिलने की उम्मीद है उसे। और दूसरा जो है ट्रीज है, उन्हें जो है अपने पुराने पत्ते वो इस आशा में छोड़ते हैं कि उन्हें नए जो है पत्ते प्राप्त होंगे। अब आगे देखिए आशा के और क्या इफेक्ट पड़ते हैं, होप एनलाइटन्स, एनलाइटन, एनलाइटन यानी क्या होता है, उजाला करना, लाइट, लाइट यानी उजाला होता है, एनलाइटन यानी होता है उजाला करती है। द लाइफ्स ग्लूमी, लाइफ जिंदगी के, ग्लूम, ग्लूम यानी क्या होता है, दुख भरे, अंधकार में, जो ऐसा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ हो, थ्रू फेयर्स, थ्रू फेयर्स यानी क्या होता है, मार्ग। तो आशा जिंदगी के अंधकारमय जो मार्ग है उस मार्ग में रोशनी करती है, हमें नई राह दिखाती है, अपने जीवन के अंधकार को दूर करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वॉर्म्थ, और वी फील फ्रेश एंड वॉर्म्थ बिकॉज ऑफ द होप, और हमें महसूस करवाती है, फील यानी महसूस करना, फ्रेशनेस, ताजगी, ताजगी का एहसास करवाती है, एक नई ताजगी की अनुभूति हमें आशा कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आगामी आने वाले जो दिन है उन दिनों में ताजगी की नई अनुभूति जो है वो आशा कराती है। ये भी आशा के इफेक्ट के बारे में है कि आशा हमें जो है किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके बेनिफिट के बारे में है। इट एनलाइट द
लाइट्स ग्रू मी थ्रू फेयरनेस, वो जिंदगी के अंधकार को दूर करके रोशनी देती है, एक नई उम्मीद देती है, और आशा जो है हमें अपने जीवन में नई ताजगी का एहसास कराकर आगे आने वाली जो जीवन है उसको लेकर के हम लोग कुछ उम्मीद पाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट स्टेंज, जब होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा के कारण ही जिंदा रहते हैं, कहने को कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो जिंदगी को या जीवन को चलाने का काम जो करती है वो आशा करती है, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा के कारण ही जीवन चलता है, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स होता है व्युत्पन्न, लाइफ एक जो है आशा रूपी जो कार्य है उसका एक व्युत्पन्न है, इस कहने का तात्पर्य है कि आशा के कारण ही जीवन चलता है, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा ही जो है प्राइम, प्राइम यानी क्या होता है मेन, मुख्य यानी प्रधान, और एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी होता है श्रेष्ठता या उत्कृष्टता, तो आशा ही जो है प्रधान या मुख्य जो है उत्कृष्टता है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और वो तब से है हमारे साथ में, राइट फ्रॉम ठीक उसी दिन से, द डे वन इज बॉर्न उसी दिन से जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, तो जन्म से लेकर के जो है आशा किसी मनुष्य के साथ में बनी रहती है, हर वो कार्य जो हम लोग करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की कुछ पाने की जो है आशा जो है रहती है, इसी आशा में जैसे होप है, इसी आशा के कारण ही मैं आप लोगों को जो है कुछ ये नोट्स प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, तो ये सारे के सारे मनुष्य जो कार्य करता है वो आशा पर निर्भर है, एक बार जल्दी जल्दी में हम लोग इसको वापस रिवाइज करने के बजाय मैं आगे कुछ आपको पॉइंट दे देता हूँ जिसके माध्यम से बड़े आसान तरीके से इसके मेन मेन जो पॉइंट है आगे वो हम लोग समझते हैं। आशा के अलग अलग नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सम पीपल, इट इज़ एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के हिसाब से ये क्या है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है, कुछ लोगों के हिसाब से इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ये जो है लाभ का या उपकार का जो है पैमाना है, कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ फ्यूचर रेलेवेंस, ये जो है भविष्य की प्रासंगिकता है, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट इट्स अ क्रिएशन ऑफ सोल, लेकिन कवि के अनुसार क्या है ये जो है आत्मा का सृजन है, आत्मा की जो है रचना है। तो ऐसे पूछा जाता है व्हाट नेम्स आर गिवन बाय डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के द्वारा क्या नाम दिए जाते हैं, एक्सपेक्टेशन, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन एंड फ्यूचर रेलेवेंस, ये तो अलग अलग लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, और कवि के द्वारा पूछ ले तो कवि अकॉर्डिंग टू द पोएट राजन अग्रवाल द होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मेक्स अस फील प्लेजरसम, आशा हमें आनंद की अनुभूति करवाती है, किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, हमारे अंदर की जो है नकारात्मकता का अंत करती है, आशा जो है हमें जो है शांति से भर देती है, और हमारे अंदर के जो अंधकार में जो जीवन के मार्ग है उनमें उजाला करती है, और आशा जो है हमें नई ताजगी का एहसास करवाती है, और आशा के कारण ही जीवन चलता है। छोटा क्वेश्चन पूछ ले या बड़े क्वेश्चन भी पूछ ले तो ये सारा का सारा संपूर्ण सार है आशा से होने वाले फायदों के बारे में। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अलग अलग जो प्राणी हैं वो किस बात की आशा रखते हैं, बर्ड्स जो है पक्षी किस बात की आशा रखते हैं, वो उसी आशा में उड़ते हैं, फ्लाई इन होप ऑफ फूड एंड मटेरियल फॉर होम, वो उसी आशा में उड़ते हैं, एक तो बच्चों के लिए जो है भोजन प्राप्त करने की और दूसरा जो है अपने घर के निर्माण के लिए सामग्री प्राप्त करने की, दूसरे जो बर्ड हैं कली है वो किस आशा में खिलती है, स्टे ऑन ब्रांच इन ब्लूम, उसे इस बात की आशा रहती है, वो आशा के कारण ही वो जो है इट स्टे ऑन ब्रांच, वो शाखा पर बनी रहती है और ब्लूम खिलती है। नेक्स्ट जो है वो ट्रीज, पेड़ों किस बात की आशा रहती है, वो इसी आशा में अपने जो है पत्तियों को, जो पुरानी पत्तियों को दे लूज देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को खोते हैं इन होप ऑफ ग्रीन ह्यूज, और उन्हें इस बात की आशा रहती है कि वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। ये तो थे आशा के जो है विभिन्न फायदों के बारे में, उसके उपरांत हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग प्राणी जो है वो किस किस प्रकार की आशा रखते हैं। अब इस प्रकार के जो पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ी आपके लिए सहूलियत हो जाए। मैंने पिछले जो है कुछ एग्जाम से पेपर देख करके ये देखा है कि लास्ट जो एग्जामिनेशन था 2019 में उससे रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था, और 2018 में जो है वो आपके स्टेंजा जो है उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये स्टेंजा आया था इस पोइट्री से, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा या रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आप लोगों को पता है ये 10 मार्क्स के जो है आपके पोइट्री
जो है इसमें 4 मार्क्स जो है आपकी एक स्टेंजा आता है, और बाकी जो है 2 2 मार्क्स की 3 जो है क्वेश्चन रहते हैं, 6 मार्क्स जो है टोटल 10 मार्क्स है। उसमें से जो है 2018 में जो है 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस पोइट्री से पूछे गए थे। स्टेंज आया था, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस एंड फिल अस विद काम एंड क्वाइट, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, इट इज़ होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच इन ब्लूम, व्हाट डज होप किल। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब दो 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 नंबर के, हर क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन थे, तो एक एक नंबर दो दो चार, ठीक है, 4 नंबर के आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं। व्हाट डज होप किल, बड़ा आसान है, आशा किस बात को मारती है, होप किल्स नेगेटिविटी। हु फिल्स अस विद कॉम एंड क्वाइट, क्या चीज़ है जो हमें शांति से भर देती है, तो होप इसकी जगह होप आ जाएगा, होप फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में कौन उड़ता है, बर्ड्स फ्लाई इन द सर्च ऑफ फूड, ओके। इसके आगे क्वेश्चन था, व्हाई इज मटेरियल रिक्वायर्ड, जो है पदार्थों की आवश्यकता क्यों है, तो यह था मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अब इसमें स्टेंजा में या पोइट्री में आपके जो है संपूर्ण सेंटेंस जो है इसमें अपने को कंपोज, इसका आंसर जो है कंपोज करते समय इसी से लेना है, द मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड देयर होम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। 2018 में पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, आशा को अलग अलग नाम क्या दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस, और थर्ड वन कौन सा था, थर्ड वन था आपके मेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और अकॉर्डिंग टू पोइट अगर पूछ ले राजन अग्रवाल के द्वारा आशा क्या है, ये जैसे नेक्स्ट पूछ लिया 2019 में पूछ लिया, व्हाट डज होप मीन टू द पोएट, कवि के अनुसार आशा क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पोएट राजन अग्रवाल, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजर्स एंड इट किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस, जो हमें आनंद की अनुभूति करवाती है, एंड वी कैन लिव विथ एंथुजियाज्म बिकॉज ऑफ होप, और आशा की वजह से हम लोग जो है अत्यधिक उत्साहित होकर के अपने आप को आनंदित महसूस कर सकें। थैंक यू मित्रों, बने रहिए हमारे साथ स्मार्ट स्टडी के, आपके अपने पसंदीदा।